हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग में मैं थोड़ा मैं कैसे आना जाना कर रहा है, मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गया है। अभी ड्यूटी जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं बस में आना जाना करती हूँ, कैसे कितना तकलीफ से आना जाना करता है मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी। आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच थिंग एंड माई वीडियोज। गाइस, हम लोग ड्यूटी जाने के लिए निकल रही हूँ। अभी बस में जाना पड़ेगा क्योंकि बस में थोड़ा कम होता है फेयर। ऑटो में जाएंगे तो रैली आना जाना 300, 600, 400 ऐसे जाता है। तो हम बस में जाने के लिए निकल रही हूँ। पहले तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बस लेडीज़ के लिए फ्री कर लिया था, लेकिन ओनली तेलंगाना के लिए। हम लोग सोचा कि हम लोग बहुत खुशी हो गया था कि हम लोग के लिए भी फ्री होगा फर्स्ट टाइम में। दो तीन दिन तो हम लोग फ्री में गया है, कुछ भाड़ा लिया ही नहीं है, फेयर लिया ही नहीं है। बाद में धीरे धीरे सिर्फ तेलंगाना के लिए फ्री है, दूसरा स्टेट के लिए फ्री नहीं है बोल के हम लोग को भी अभी तो पैसा लेता है उन्होंने। तो हम लोग बहुत खुशी हो गया था फर्स्ट टाइम में, तो शर्म भी आ रहा था मुझे तो। तो हम लोग आज बस में जाने के लिए निकल रही हूँ, चलो जाएंगे। तो दूसरा स्टेट के लिए फ्री नहीं है बोला तो सेट तो हो गया, क्या कर सकती हूँ। पर हम अभी फिर भी क्या करूँ, जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा। पहले तो लड़ाई किया था, हम लोग को भी फ्री है, हम लोग भी इंडिया से है, ऐसा लड़ाई भी किया था वो कॉन्ट्रेक्टर लोग से या बस ड्राइवर लोग से। पर हम क्या करें, अभी 25-50 रुपीस डेली आना जाना चला जाता है, पर कोई बात नहीं है इतना तो। चलो अभी चलते हैं, बस में जाएंगे। कितना मतलब भीड़ होता है क्योंकि तेलंगाना का लेडीज के लिए फ्री हो गया ना, बहुत भीड़ है। बाप रे बाप रे, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसा हो गया। तो हम दिखाते हैं कैसे जाता है, बहुत तकलीफ में जाना पड़ता है हम लोग को, फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेंगे। मेरे बहन का खुशी खत्म हो गया। गाइस ये देखिए, हम दोनों वेट कर रही हूँ, बस को अभी तक आया नहीं। धूप तो बहुत ज़्यादा है तेलंगाना में, और अभी तो बस आ चुका है। देखो आप देख सकते हैं, पूरा पैर, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं, हमें से हैंग करके आना पड़ता है। पूरा तेलंगाना का लेडी के लिए फ्री हो गया तो सब लोग बस में आना जाना कर, मैं क्या करें, बाहर बैठ के आ रही हूँ, उपाय नहीं हो के ऐसा बैठ के आ गया। कभी कभी तो खाली भी आता है, कभी कभी इतना ज़्यादा, लेकिन संडे दिन में थोड़ा सा खाली होता है। आज तो बहुत ही भीड़ था, बैठने के लिए जगह नहीं था। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हैंडीमैन बन के आ गया है, बाहर में दरवाज़ा का सामने खड़ा होकर आ गया मैं। तो आगे भी देख सकते हैं, इतना ट्रैफिक है, मत बोलिए। मैं जल्दी पहुँचने के लिए जल्दी निकलती हूँ, 1.5 आवर कंपल्सरी लेता है। ये देखिए बहुत ज़रा भीड़, हम लोग तो हमेशा हैंग करके आना पड़ता है। गाइस क्या कर सकती हूँ, थोड़ा पैसे सेव करने का चक्कर में ना मेरा हालत ख़राब होने वाला है। क्या कर सकती हूँ, आप लोग देख सकते हो, देखो बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। देखो आगे भी देखो, ट्रैफिक बहुत है, लेकिन देखते हैं, आज तो संडे है। गाइस ये देखिए, आज पहली बार बस खाली में आया है। जब से तेलंगाना में लेडीज लोग के लिए बस फ्री हुआ तब से हमेशा भीड़ वार आता है, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसा आ जाता है। लेकिन आज खाली में आए, मेरे को लग रहा है कि आज हम दोनों के लिए स्पेशली आया, ऐसा फील हो रहा है। हम लोग तो एंजॉय कर रहा था और सीट मिला है पहले बार बैठने के लिए, हमेशा खड़ा होके आता है हम लोग, लेकिन आज पहले बार सीट मिला है तो खुशी हम लोग खुशी से आ रहा था। तो आज का ब्लॉग मैं इतना में समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।